तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? फिर से आ गए हूँ प्लम्बिंग के बारे में एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूरेनल फिटिंग के बारे में। एक सेंसर वाला यूरेनल कैसे फिटिंग करें वो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर यार मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखना, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को मिलेगा नोटिफिकेशन और आप देख सकते हो मेरा वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना मत भूलना। लाइक करो, लाइक करो और लाइक करो, और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाओ मेरे लिए। मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। कमेंट ज़रूर करना यार। कमेंट करके कुछ आप लोग मेरे को बता सकते हो, अगर कुछ गलती हो तो मैं वो सुधार लूँगा। कुछ सीखते रहो, कुछ सिखाते रहो, यही दुनिया में रीत है और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो आर्किटेक्ट का प्लान में चार यूरेनल यहाँ पे आ गए, एक बेसिन, एक नानी ट्रप और यहाँ पे से गेट दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आप लोगों को पूरा फिनिशिंग इसका बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, एक बेसिन पहले स्टार्टिंग में, ये बेसिन का हाइट 18 से लेकर 21 इंच के अंदर अंदर रहता है। और ये देखो, दो यूरेनल इस दीवार में है और यूरेनल का कोई फिक्स हाइट नहीं रहता है। ये जो यूरेनल का कंसीलेट पाइप का जो हाइट, वो कोई फिक्स नहीं रहता है। यूरेनल का साइज़ हमेशा अलग अलग आता है। और यूरेनल अगर आप लोगों को फिटिंग करना हो तो यूरेनल पहले सैंपल में मंगवा लो। तो यूरेनल को सामने रख के उसका मार्किंग, घीसी मार्किंग करके आप लोग काम करो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यूरेनल का कोई फिक्स नहीं रहता है। यूरेनल सब अलग अलग साइज़ का आता है, अलग अलग उसको पॉइंट में पॉइंट रखना पड़ता है। तो चलिए, मैं पहले ये यूरेनल मंगवा लिया था, बाद में ये पॉइंट किया हूँ यूरेनल को सामने रख के। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस दीवार में दो यूरेनल होगा, इस दीवार में दो यूरेनल, जैसे कि मैं आप लोगों को प्लान में बताया था। ये देखो यूरेनल, ये यूरेनल लगने वाला है। मैं आप लोगों को इसका बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ, बॉक्स में क्या क्या सामान है। मटेरियल आप लोगों को दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर का। ये देखो, बॉक्स ओपन हो गया। पहले एक कनेक्शन पाइप और एक कैटलॉग, ये भी दिया हुआ है, कैटलॉग दिया हुआ है। और ये लगने वाला है वेस्ट पाइप में जो वाशर आता है, वाशर, ये भी वाशर, और ये यूरेनल का ऊपर रह जाएगा। ये वेस्ट पाइप में लगने वाला है। और ये क्लाम्प है, ये पाइप क्लाम्प, क्लाम्प में टाइट पाइप को टाइट करने का है, वो पाइप जो दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो यूरेनल का कैटलॉग, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर अंदर लेने का है, कितना सेंटीमीटर बाहर लेने का है, कहाँ पे कनेक्शन पाइप लगने वाला है, कहाँ पे वेस्ट पाइप लगने वाला, सब दिया हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को मार्किंग करके दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। यूरेनल का हाइट आप लोगों को दोस्तों ले लेने का है। यूरेनल का हाइट हमेशा 25.5 इंच से लेकर 27 इंच के अंदर अंदर रखना है। तो मैं यूरेनल का हाइट मार्किंग कर लिया हूँ। अब वेस्ट पाइप का सेंटर करके अपना क्लाम जो है, इधर टोटल 9 इंच डिस्टेंस है क्लाम का, तो मैं सेंटर से इधर 4.5 इंच, इधर 4.5 इंच मैं मार्किंग लेके मैं क्लाम फिट करता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, कुछ सीखते रहिए और कुछ सिखाते रहिए मुझे। अगर कुछ भी गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अगर मेरे तारीफ़ करते हो तो यार सच में बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक करना मत भूलना वीडियो में। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। वीडियो में अगर आप लोग लाइक करते हो तो सच में बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो मैं मार्किंग ले रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, ड्रिल मशीन से ड्रिल करने का है इसको। तो चलिए मैं आपको ड्रिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दो मार्किंग ले लिया हूँ और यहाँ पे इसका सेंटर करके, यहाँ पे 4.5 इंच में, और यहाँ से इसका सेंटर करके 4.5 इंच में मार्किंग ले। दोस्तों, स्क्रू लगाने से पहले ये आप लोग देख सकते हो प्लास्टिक का ग्रिप है, ये लगाना पड़ता है। अगर ये लगा के आप लोग स्क्रू लगाते हो तो क्लाम बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। ये देख सकते हो प्लास्टिक का ग्रिप लगाना ही पड़ता है क्लाम फिटिंग करने से पहले। उसके बाद में क्लाम लगा के स्क्रू को पेचे से टाइट कर देना है, तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर आप लोग मेरा चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखो, इसीलिए कि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग दबा के रखे हो तो। आप लोग देख सकते हो इस साइड जैसे टाइट हुआ है, सेम दूसरी साइड टाइट कर देना है।
उसके बाद में आप लोगों दोस्तों क्या करना है, यूरिनल को एक बार ऐसा टेम्पररीली देख लेने का, लगा के फिट आता है कि नहीं। उसके बाद यूरिनल निकाल के आप लोगों को क्या करना है, ये वेस्ट टाइप का वाइसर है, आप लोग देख सकते हो। ये लगाने के बाद में ये वाशर जो है यहाँ पे लगने वाला है, पर इससे पहले एक क्लाम लगेगा उसके अंदर, उसको फिक्स टाइट करने के लिए, नहीं तो खुल भी सकता है। ये क्लाम नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, पीछे से बड़ा छोटा होता है। अब मैं लगा देता हूँ इसको, इसको टाइट कर देता हूँ, फिट बढ़ जाएगा, कभी भी नहीं निकलेगा दोस्तों, देख सकते हो लोग। इसको टाइट कर देने के बाद दोस्तों क्या करना है, दूसरा जो वाइसर है उसको यहाँ पे लगा देना है, ये वाइसर को इधर लगा देना है। लग गया दोस्तों, मस्त लग गया। तो चलिए आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारा बताने वाला हूँ, जैसे कि सेंसर का जो बैटरी सेल लगता है वो भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक देखोगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा यूरिनल फिटिंग करने का तरीका, वो भी सेंसर वाला। तो चलिए ऐसे टेफ्लॉन टेप लगा देना पड़ता है ये बीट निपल में, ये एक्स निपल भी बोलते हैं इसको। मेरे पास बॉक्सो रेंच नहीं है, जो पाना है बॉक्स पाना वो नहीं है, तो मैं इसको पकड़ से टाइट करूँगा। टेफ्लॉन टेप लगा देने के बाद में दोस्तों मैं पक्कर से टाइट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बॉक्स पाना नहीं है अभी। ये अंदर से भी टाइट हो जाएगा, ऐसा अंदर से भी टाइट करने का सिस्टम इसका दिया हुआ है, देख सकते हो लग गया है। अभी इसको फिटिंग करने का है, नीचे का जो वेस्ट पाइप में वो वाइसर को घुसाना है, उसे फिट करना है। चलो ये फिट हो गया, नीचे भी लग गया, ऊपर भी लग गया। अभी जो यूरिनल का जो एक आप लोगों ने बताया था मटेरियल, जो पत्थर आता है इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ओपन ही रहता है यूरिनल का। ये देख सकते हो, मैं अभी सेंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, सेंसर फीडिंग करके। सेंसर का जो बैटरी है सेल है वो मैं आप लोगों को लगा के दिखाने वाला हूँ। सेल हमेशा यहाँ पे लगता है, ये है सेल है, तो मैं आपको इसमें इसके अंदर जो सेल है बैटरी वो मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। ये रहा बैटरी, ये चार बैटरी इसमें लगता है। बैटरी लगा देने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको फिर से फिटिंग कर देने का है। आप लोग ये देख सकते हो फिटिंग हो गया है। उसके बाद में इसका जो पेपर था उसमें अंदर करके उसको लगा देने का है, यहाँ पे ही लगता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ही लगता है, तो पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे रखना है वहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में दो ए प्लग को कनेक्शन कर देने का खाली बस। मैं आपको रिटर्न से इसको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे लगता है।
अभी लग गया, मैं आप लोगों को पानी चालू करके बता दूंगा। ये बाजू का भी मैं लगा देता हूँ, इस साइड का लग गया, सेंसर फिटिंग हो गया। अभी मैं आपको पानी चालू करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। पानी चालू करने से पहले इसका ऊपर का जो नट है वो मैं टाइट कर देता हूँ। ये देख सकते हो सेंसर चालू हो गया यूरिनल का। और दोस्तों ये चारों साइड में है, सिलिकॉन लगाना आप लोग ना भूले, सिलिकॉन। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, यूरिनल का हाइट 25.5 इंच से लेकर 27 इंच के अंदर अंदर रखना है। तो चलिए मैं ये 26.5 इंच आ गया है, आप लोग 28 इंच के अंदर अंदर रखोगे तो भी चलेगा।